हरे कृष्णा। तो आज राधाष्टमी के अवसर पर हम चर्चा करने का प्रयास करें किस तरह से राधा रानी इज द यूनिक लेगेसी ऑफ द गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन फॉर द होल वर्ल्ड। कि राधा रानी ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक अद्वितीय भेंट है सारे विश्व के लिए। तो इसकी चर्चा मैं तीन विभागों में करूंगा। सबसे पहले हम जो राधा रानी की समझ है वो कैसे पुराणों से गौड़ीय संप्रदाय तक कैसे और स्पष्ट हो रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम एक लीला जो इसको हमारे आचार्यों ने एक विशेष पद्धति से बताया है जिससे कि राधा रानी का जो भाव है वह समझ में आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर हमारे आचार्यों ने इनमें किस तरह से और खासकर श्री प्रभुपाद जी ने किस तरह से ये जो हमारे संप्रदाय की वारिस है वह इनहेरिटेंस है वह किस तरह से विश्व को दी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं जब साउथ अमेरिका में गया था प्रचार के लिए तो वहाँ पे एक ऐसी गुफा है। तो अभी साउथ अमेरिका सारे विश्व में अलग अलग समय में अलग अलग संस्कृतियाँ हुआ करती थी। तो साउथ अमेरिका जो प्राचीन संस्कृति है जो एस्टेक मायन इनका वो अभी बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है। जब क्रिश्चियन कैथलिक लोग जब वहाँ पे चले गए तो उन्हें सबको कन्वर्ट कर दिया था वहाँ पर। वहाँ पे एक ऐसी गुफा थी जिसमें वो वहाँ के जो जो लोग रहते थे वो एस्टेक के ग्रुप थे कि उनको ऐसे बताया गया था कि यहाँ पे एक बड़ा खजाना है कि उसके पास अगर कोई जाएगा और वहाँ पे कुछ ऐसे कुछ मिस्टिक शक्तियों के बारे में करते हैं उसके पास अगर कोई जाएगा वो जल के राख हो जाएगा। तो इसीलिए ये खजाने को आपको बहुत संभाल के रखना है, आप भी उसके पास मत जाओ और किसी को उसके पास मत जाने दो। तो ऐसे कई सदियों से चलते आ रहा था वो, कई कई जनरेशंस पीढ़ियों से। और फिर वो एक तरह से ऐसे हो गया कि वहाँ पे उस ट्राइब उस समूह संप्रदाय उस ग्रुप समूह के लोग उसको जानते तो थे पर उनकी जो विचारधारा में पीछे चला गया वो। ठीक है यहाँ पे कुछ है पर सी व्हाट इज नॉट वैल्यूड कॉन्शियसली इज डी वैल्यूड अनकॉन्शियसली। यह एक मानवीय मनोविज्ञान का तत्व है कि जिसकी कीमत हम सोच विचार करके जिसकी हम कीमत समझते नहीं है उसकी बिना सोच विचार किए उसकी कीमत को हम कम कर देते हैं। व्हाट इज नॉट वैल्यूड कॉन्शियसली गेट्स डी वैल्यूड अनकॉन्शियसली। तो ऐसे क्या हो गया तो वो ठीक है यहाँ पे कुछ है इस गुफा में पर किसी ने ऐसे पीढ़ियाँ चली गई और लोग उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद क्या हो गया जो ये कैथलिक मिशनरी जो आए थे वहाँ पे फिर उन्होंने ऐसे कुछ सुना यहाँ पे बड़ा खजाना है तो बोले अब जाओ मत वहाँ पे। पर जो उनका अंधश्रद्धा जो भी कहना है उस प्रकार का उनको भय नहीं था तो वहाँ पे वो चले गए और वहाँ पे कई ऐसे रत्न थे बहुत मौल्यवान उनको एक ऐसे विशेष रचना में बनाया गया था। तो वो सारा जो खजाना था उन्होंने उसको हड़प कर लिया और अभी वो ब्रिटेन के एक म्यूजियम में है। तो ये उदाहरण इसलिए है कि कुछ हद तक हमारे संप्रदाय में राधा रानी की ओर ऐसे भाव हो गया है। आजकल अगर हम देखते हैं जो एकेडमिक स्कॉलर्स है जो जो व्हाट इज एकेडमिक स्कॉलर्स इन हिंदी व्हाट इज एकेडमिक शैक्षणिक ओके जो आजकल की यूनिवर्सिटीयों में वगैरह महाविद्यालयों में सीखते हैं सिखाते हैं ऐसे पंडित जो है मतलब जो पारंपरिक जो खुद भक्त नहीं है ऐसे जो ऐसे पंडित है जो तो उन्होंने राधा रानी पर ज़्यादा किताब लिखे हैं जितने कि हमारे संप्रदाय ने लिखे हुए। और आजकल अगर लोगों को राधा तत्व के राधा के बारे में पूछना है जानना है तो फिर वो विकिपीडिया में जाएंगे ऐसे जगह पे जाएंगे इंसाइक्लोपीडिया में जाएंगे और वो क्या है
वो उसके द्वारा कुछ गलत समझ ले लेंगे। तो क्या हो गया है, ऐसे ये राधा रानी की समझ हमारे संप्रदाय में अच्छी तरह से है, पर कुछ हद तक हमने ऐसे कर लिया है कि ये तो इतना ऊंचा विषय है कि हम इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। हम चर्चा नहीं करेंगे इसका मतलब दूसरा कोई चर्चा नहीं करेगा, ऐसे नहीं है। वो जो उस समूह के लोग थे, हम उसको स्पर्श नहीं करेंगे उस खजाने को, ये बोल के उन्होंने बोला हम स्पर्श नहीं करेंगे, इतना शक्तिशाली है। पर दूसरों ने अगर स्पर्श कर लिया उसको, क्या कर लिया, उसको हड़प कर लिया। तो कुछ हद तक ऐसा हो गया है। तो यद्यपि राधा रानी का तत्व बहुत ऊंचा है, पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसे समझे और इसको समझाए। क्योंकि जो जो क्यूरियस, जो जिज्ञासु लोग हैं, अगर वो श्रद्धालु और जिज्ञासु नहीं है, केवल जिज्ञासु है, तो वो अगर हम ये बहुत ऊंचा शब्द है इसके बारे में सवाल मत करो, ऐसा बोलने से वो उनकी जो जिज्ञासा है वो संतुष्ट नहीं होने वाली है। तो वो अगर हमारे पास जवाब नहीं मिल रहा है तो किसी और के पास जाएगी, और जो आचार्यों से जो समझ मिली है वो समझ नहीं मिलती है तो किसी और से समझ मिल जाएगी उनको। तो अभी इसलिए ये विषय को समझना ज़रूरी है, यद्यपि ये बहुत ऊंचा विषय है पर इसको समझना ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम, जो कि कृष्ण लीला का सबसे विस्तारित वर्णन करता है, उसमें राधा रानी का विशेष उल्लेख नहीं आता है। केवल एक श्लोक है इसमें, इसमें एक तरह से कहते हैं परोक्षवाद से उल्लेख है। परोक्षवाद उद्धव गीता में बताया गया है कि कई बार भगवान प्रसन्न होते हैं जब एक अप्रकट पद्धति से इनडायरेक्टली कुछ चीज़ बताई जाती है। तो इसके अलावा जो ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, ब्रह्म विवर्त पुराण है, इनमें भी राधा रानी के बारे में उल्लेख आता है। और जो जो आध्यात्मिक तत्व होते हैं, स्पिरिचुअल ट्रूथ्स आर ट्रांस हिस्टोरिकल एंड आर रिवील्ड एट पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम्स, कि ये इतिहास के परे होते हैं, पर इतिहास में कुछ समय में वह उनको दर्शाया जाता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु का जब वहाँ पे प्रकट हुए, तभी उन्होंने खास करके चैतन्य महाप्रभु के भक्तिमय जीवन में भी एक तरह से दो विभाग है कि खास अगर हम देखते हैं वो प्रचार कर रहे हैं और उनके बहुत से संवाद होते हैं। वो हरिनाम संकीर्तन तो सबसे साथ कर रहे हैं मायापुर में, बाद में सब जगह प्रवास वो जाते हैं प्रचार के लिए, और अलग अलग उससे संवाद होता है। और चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि श्री कृष्ण वो क्या है, वो कृष्ण और राधा, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो राधा कृष्ण एक है। पर जो है अधिकांश अपनी लीला में वो जो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, उस भाव को दिखाते हैं, उस भाव के साथ उपचार कर रहे हैं। पर जब चैतन्य महाप्रभु का मिलन रामानंद राय से होता है, जब वो मिलते हैं उनसे, तो ऐसे बताते हैं आचार्यगण की रामानंद राय ब्रिंग्स द राधा आउट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, कि उनके पहले जो है वो कृष्ण के भाव में धर्म संस्थापन कर रहे हैं, पर जो रामानंद राय से मिलते हैं वो, उसके बाद में अभी हमेशा उनमें राधा का भाव है, पर वो प्रकट तब से होने लगता है। और उसके बाद में जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप मेरे साथ आप आ जाओ पुरी, और वहाँ पे हम गुह्यम आख्याति पृच्छति, हम क्या करेंगे, हाँ हम जो गुह्य तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की प्रस्थापना की, और उसी समय कुछ और संप्रदाय भी थे, उन सब ने जो राधा के तत्व पर काफ़ी जोर दिया है। तो अभी जो राधा का तत्व ये क्या है वास्तव में, अभी सभी धर्मों में जो भी आस्तिक धर्म है उनमें भगवान की संकल्पना आती है, पर जो वैदिक धर्म है उसमें भगवान इज नॉट कंसिडर्ड वन बट टू, कि गॉड इज अ डिवाइन कपल। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य गरुड़ प्रभु वो कहते हैं कि जो हमारे जो खासकर गौड़ीय संप्रदाय में है वो कहते हैं कि एक है विचारधारा है कि भगवान एक है, एक भगवान है, उसको मोनोथीज्म कहते हैं, अनेक देवता है उसको पॉलीथीज्म कहते हैं। पर जो हमारे संप्रदाय में जो है वो क्या है, कैसे
एक भगवान है पर उनके अनेक रूप है, तो उसको अगर ये दो कैटेगरीज है पॉलीथिज्म मोनोथिज्म उनमें नाम देना है तो कहते हैं इसको पॉलीमॉर्फिक मोनोथिज्म कि एक भगवान है पर मॉर्फो मतलब रूप, उनके अलग अनेक रूप है, और वास्तव में उनके अनेक रूप नहीं है, एक भगवान के भी दो रूप में आते हैं, जैसे सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। तो कहते हैं इसको और स्पष्ट रूप से बोला था पॉलीमॉर्फिक बाय मोनोथीज्म तो एक भगवान दो रूप, वो दो दो कम्स एज अ कपल और फिर ऐसे अनेक कपल्स हैं, तो पॉलीमॉर्फिक बाय मोनोथीज्म। तो अभी जो है कि यह संकल्पना जो है इस तरह से कि भगवान एक दिव्य कपल के रूप में आती है, यह विश्व के किसी भी आस्तिक धर्म में या उनके थियोलॉजी में, उनके शास्त्रों में या उनके परंपरा में ऐसी बताई नहीं गई है। और उसमें भी जो राधा रानी का तत्व है वह विशेष है, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम तीन भगवान की जो पटरानियाँ उनके बाद संकल्प उनकी तुलना करेंगे, अगर हम वास्तव में हम तुलना नहीं कर सकते हैं कि सब दिव्य है, पर लक्ष्मी सीता और राधा अगर हम तुलना करते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी चीज़ को हम दूरबीन से देख रहे हैं, तो पहले अगर कोई तारा, अगर आप दूरबीन है या टेलीस्कोप है जिससे कि हम किसी दूर के तारे को देख रहे हैं, तो पहले आँखों से तो थोड़ा सा ऐसा छोटा तारा दिखता है, पर बाद में वो टेलीस्कोप लगाते हैं, अच्छा वो तारा स्पष्ट होने लगता है, और फिर वो टेलीस्कोप को और फोकस करते और फोकस करते और फोकस करते, तो क्या होता है वो और स्पष्ट दिखने लगता है, अच्छा इसमें ये पहाड़ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई खाई है, सब दिखने लगता है। तो वैसे ही क्या है कि जो भगवान की संकल्पना है वह भक्ति संप्रदाय में और खास करके गौड़ी संप्रदाय में उसको और स्पष्ट किया जाता है कि भगवान का अस्तित्व है, ये तो जो भी विचार थोड़ा बहुत विचार करने वाले लोग हैं, ठीक है भगवान का अस्तित्व है, वो एक आसमान में तारे के समान है, पर जो कोई आध्यात्मिक साधना करने लगते हैं, आध्यात्मिक जो रेवलेशन है, दुष्ट जीव जो जिससे कोई आपको दिव्य ज्ञान मिलता है ऐसे सोते जोलते हैं, वो क्या उनको एक टेलीस्कोप मिल गया है जिससे कि और स्पष्ट होने लगता है। पर जो अभी अलग अलग संप्रदायों में सब अभी हमारे भक्ति संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, माधव संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदाय, इन सब के पास एक टेलीस्कोप है। व्हाट इज टेलीस्कोप इन हिंदी? दूरबीन इज बाइनोक्यूलर्स। एनीवे ठीक है, टेलीस्कोप आपको पता है, दूरबीन बोल सकते हैं। तो जो गौड़ीय संप्रदाय ने क्या किया, वही दूरबीन है, पर वो दूरबीन जो है उसको और फोकस कर दिया है, इतना फोकस हो गया है, जैसे अगर आप कैमरा से फोटो ले रहे हैं तो जितना प्रॉपरली फोकस हो जाएगा उतना स्पष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही क्या हो गया है, ये गौड़ीय संप्रदाय में जो न केवल भगवान पर भगवान की जो भार्या है उनकी संकल्पना बहुत स्पष्ट हो गई है, और ये स्पष्ट संकल्पना है यह अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग पद्धति से इसको दर्शाया है। तो जो कवि कर्णपुर है हमारे संप्रदाय में, उन्होंने ग्रंथ लिखा है आनंद वृंदावन चंपू, और आनंद वृंदावन चंपू में उन्होंने ये बताया है किस तरह से जो भागवतम में ही जो लीलाएं बताई है उनका और विस्तारित रूप है। अभी चंपू जो है ये एक विशेष प्रकार की काव्यात्मक रचना है कि साधारण जो अगर आप कुछ साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें गद्य होता है और पद्य होता है, कि जो कविता होती है उसको एक प्रकार का साहित्य बोलते हैं, जो साधारण रचना होती है उसको गद्य और पद्य से कहते हैं। तो ये चंपू जो है इट इज़ बोथ पोर प्रोज एंड पोएट्री कंबाइंड अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, कि उसमें गद्य और पद्य दोनों साथ में हैं, और कैसे इसीलिए अगर आप उसको साधारणतः अगर हम भगवद्गीता का श्लोक उल्लेख करेंगे तो 7वें अध्याय 24वां श्लोक हम बोलेंगे, पर कैसे होता है गोपाल चंपू का अगर आपको श्लोक उल्लेख करना है तो आप ये अध्याय बोल सकते हैं, पर वो गद्य के लिए एक शंखावली है और पद्य के लिए अलग शंखावली है, तो इसीलिए उसका रेफरेंस देना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे देखें 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे आएगा 5 के बाद वापस 1 चालू हो जाएगा 1 2 3 4 और फिर 6 7 8 आ जाएगा। तो अगर गद्य का एक नंबरिंग है, पद्य का एक नंबरिंग है, ये पारंपरिक रूप से अगर किया है, तो आजकल भाषांतर में क्या होता है हमको समझ भी नहीं आता है क्या ये सब कुछ, हमको एक पद्य के समान ही लगता है वो,
पर चंपू जो है उसमें क्या किया है, गोपाल चंपू या आनंदनावन चंपू, उनमें जो हमारे आचार्य कवि कर्णपूर या जीव गोस्वामी, उन्होंने कृष्ण की जो लीला है उसका और किस तरह से स्पष्ट होता है उसको दर्शाया है। और जो राधा रानी का जो भाव है, अभी किसी व्यक्ति को अगर आपको समझना है तो हम उसे किस तरह से समझते हैं, हम समझते हैं वो किस प्रकार का कार्य करते हैं, वो क्या जो कार्य करते हैं उससे समझते हैं। तो जो भागवतम का सबसे गुह्य अध्याय है रास पंच अध्याय, उसका उसका वर्णन कवि कर्णपूर और रूप जीव गोस्वामी ने अपने अपने ग्रंथों में किया है, और दोनों ने जो लीला है इसका वर्णन थोड़ा अलग पद्धति से किया है। तो मैं आज जो कवि कर्णपूर ने जो राधा रानी का चित्र बताया है अपने आनंदनावन चंपू में, उसका उसका वर्णन करूँगा, और अगर समय मिलेगा तो जीव गोस्वामी ने तुलनात्मक रूप में किस तरह से वर्णन किया है उसकी भी चर्चा करेंगे, पर अधिकांश रूप से हम ये कवि कर्णपूर का जो वर्णन है उसके बारे में बताएंगे। तो जब शरद ऋतु चालू हो जाता है तो ऐसे बताया गया है, योग मायाम उपाश्रितः, तो कृष्ण की इच्छा होती है कि वो लीला करना चाहते हैं, और वो लीला करने के लिए वे जो है अपनी बांसुरी बजाते हैं। जब वो अपनी बांसुरी बजाते हैं तो तभी सारी जो गोपियां हैं वह बहुत आकर्षित हो जाती है। ऐसे बताते हैं कि भक्त सामसुंदर में बताया है कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जो बांसुरी की ध्वनि है वह मान लीजिए एक ऐसे प्रेम का पाश है, जो कृष्ण के ओठों से बांसुरी की ध्वनि के द्वारा निकलता है और वो गोपियों के हृदय को जाके पकड़ लेता है, और उसके द्वारा वो सारी गोपियाँ खींच ली जाती हैं। तो विरोध होता है, अब कैसे बाहर जा सकती हैं, पर उसके बावजूद वो निकलती हैं। पति सुतन्वया भ्रातृ बांधवान अति विलांघ्यते अंत्यच्युतागतः कतिविदस्तव उद्गीत मोहितः कितव योषितस्कस्त्य जेनिषे। तो गोपी कहती है कि गोपी गीत में बता रहे हैं कि वो हम सबको सबका विरोध को सहन करते हुए हम यहाँ तक अभी आ गए हैं। तो जब वो जंगल में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे अभी भागवतम में बताया है कि सारी गोपियाँ आई हैं, पर कवि कर्णपुर बताते हैं कि अभी सारी गोपियाँ आती है वो ऐसे सब गोपियाँ एक साथ नहीं आ रही हैं, क्योंकि क्या है, हर एक गोपी को अलग-अलग पद्धति से विरोध सामना करना पड़ रहा है, और वो विरोध का सामना करते हुए वह धीरे-धीरे आगे आ रही है। तो किसी न किसी तरह से कोई बहाना बना के कोई तरीका करके वो सबके विरोध को के पार जाते हुए आती है। तो ऐसे जैसे सागर की लहरें आती है, एक लहर आती है फिर वो जो लहर है किनारे को टकराती है, फिर अगली लहर आती है, फिर अगली लहर आती है। तो इस तरह से जो है गोपियाँ लहरों के रूप में आ रही है, एक कुछ गोपियाँ आती हैं फिर कुछ गोपियाँ आती हैं फिर कुछ गोपियाँ आती हैं, ऐसे सब गोपियाँ आ रही हैं। और अभी इसमें एक विडंबना है कि जो राधा रानी है वह उनका राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। और इसीलिए जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो राधा रानी की ये हृदय में इच्छा कि मैं अभी वहाँ पे पहुँच जाऊँ वो सबसे तीव्र है, पर उनको सबसे अधिक विरोध होता है इसीलिए वो आ नहीं पाती है। तो सारे गोपियाँ आ रहे हैं और जब कृष्ण आते आते कृष्ण के सामने तो वो कृष्ण उनको देखते हैं, वो कृष्ण को देखते हैं, और कृष्ण भी इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर जटिला कुटिला उन सब के चुंगुल से छूट के राधा रानी आ जाती है, और कृष्ण अपना जो वार्तालाप है वह तब तक चालू नहीं करते हैं जब तक राधा रानी वहाँ पे नहीं आ जाती। और जब राधा रानी वहाँ पे आ जाती है
तो फिर कृष्ण बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। और जब कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं तो वो कहते हैं गोपियों से कि हे गोपियाँ, आप यहाँ पे अभी क्यों आई हैं? तो अभी जो गोपी गीत है उसमें बताया गया है कि श्री गोप्या ऊचुहू, अभी उवाच ये जो है यह सिंगुलर है, एकवचनीय, ऊचू यह बहुवचनीय है। तो जीव गोस्वामी उनके कविकरण उनके गोपाल चंपू में बताते हैं कि कैसे है कि द गोपीज द गोपी गीता, गोपी गीत कैसे है, वो हरेक जो श्लोक है वह अलग अलग गोपी बता रही है, पर जब वो केवल खुद वो अपने हृदय का भाव व्यक्त कर रहे हैं, पर साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, सारे गोपियों के समुदाय का भी प्रतिनिधित्व कर रही है। तो इस तरह से जो गोपी गीत है वह इट रिप्रेजेंट्स नॉट जस्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी बट डाइवर्सिटी इन यूनिटी, कि अनेकता में एकता है पर एकता में अनेकता भी है। कि आजकल के समाज बोलते हैं हम सब अलग अलग है पर हम सबको एक रहना है, वह सत्य है, हमको सब एक रहना है, पर एकता ऐसे नहीं है कि यूनिटी कम्स नॉट बाय डिसॉल्विंग वंस इंडिविजुअलिटी बट बाय डायरेक्टिंग आवर इंडिविजुअलिटी टुवर्ड कृष्णा, कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसको ऐसे उसको हमको डुबाना नहीं है, उसको उजाड़ना नहीं है, पर उसको भगवान की ओर डालना है। तो अभी इसी प्रकार का संवाद दो बार होता है, जो गोपी गीत का जो संवाद है वो विख्यात संवाद है, पर उसके पहले जब गोपियाँ कृष्ण से बात करें तो कृष्ण कहते हैं आप यहाँ पे अभी क्यों आए हैं? अगर आपको आपने सुना था कि रात को ये जो वृंदावन का जंगल है बहुत सुंदर दिखता है, जो फूल वहाँ पे उग रहे हैं, जो आसमान में तारे हैं, चंद्र है, कुछ पंछी वगैरह है जंगल में, वैसे बहुत सुंदर दृश्य है, अगर ये आप सुंदर दृश्य देखने आए हो तो आप ये सुंदर दृश्य देख चुके हो, अभी आप पुनः घर चले जाओ। तो अभी ये जब कृष्ण कहते हैं तो गोपियाँ कहती है हे कृष्ण कि तुम क्या कह रहे हो, अगर कोई नदी है वह पहाड़ों से बहती हुई सारे जो व्यत्यय है उनको तोड़ के उनको पार करके सागर तक आ जाती है, जब इस तरह से नदी सागर तक आ जाती है, अगर सागर नदी से कहता है कि तुम पुनः पहाड़ में चले जाओ, ये कैसे संभव है? तो अभी यह देखिए बहुत सुंदर है ये जो है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जो अद्वैतवादियों ने खुद के लिए ले लिए हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार कहते हैं कि जो बूंद सागर में चला जाता है बूंद सागर से एक हो जाता है, पर वही उदाहरण है, पर जो वैष्णव है उदाहरण को दूसरे तरह से लेते हैं। यह इसमें क्या है, प्रवाह होते रहता है, जैसे नदी होती है, ऐसे नहीं कि नदी सागर में चली गई नदी खत्म हो गई, नदी का प्रवाह होते रहता है, वैसे ही भक्त की चेतना का प्रवाह हमेशा भगवान की ओर जाते रहता है। तो फिर तभी कृष्ण धीरे धीरे उनका संवाद जो होता है उसके बाद में कृष्ण जो है वह मान जाते हैं, ठीक है आप मेरे साथ लीला करने आए हो, तो तभी वो फिर रासलीला का नृत्य करने लग जाते हैं। और अभी जो है कवि कर्णपुर जो इस सारी कहानी को एक विशेष मोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, अभी जब रासलीला चल रही है तो तभी क्या होता है, ऐसे बताया जाता है कि सारे गोपियाँ को थोड़ा सा गर्व हो जाता है, और जब वो गर्व हो जाता है तो कृष्ण उनको छोड़ के चले जाते हैं, कृष्ण उनसे अदृश्य हो जाते हैं। तो पहले भी गोपियाँ नृत्य कर रही है, कृष्ण के साथ है वो, और सबको लगा कृष्ण मेरे साथ है, पर अचानक कृष्ण गायब हो जाते हैं। तो कवि कर्णपुर कहते हैं कि वास्तव में गोपियाँ तो इतनी महान भक्त है और यह तो वृंदावन है, यह रास क्षेत्र है, तो यहाँ पे गर्व कैसे आ सकता है? वे कहते हैं कि वास्तव में जो भी कृष्ण लीला में होता है वह उसका उद्देश्य है कि रस, वो लीला के रस को और बढ़ाए। तो सारे गोपियाँ जो कृष्ण के साथ लीला कर रही है तो वो ऐसे बाह्य रूप से दिखता है कि उनको गर्व हो गया है,
पर वास्तव में क्या हुआ है, वो उनको गर्व नहीं हुआ है, उनको लग रहा है कि अभी अगर कृष्ण हम सबके साथ लीला कर रहे हैं तो फिर लोगों को लगेगा कि कृष्ण का हम सबके प्रति समान प्रेम है और हम सबका कृष्ण के प्रति समान प्रेम है। पर सब गोपियां जानती है कि जितना राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम है उतना किसी और का प्रेम नहीं है। तो यद्यपि हर गोपी चाहती है कि उनको कृष्ण का संग मिले, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा है, पर फिर भी उनकी उससे बड़ी इच्छा क्या है कि जो कृष्ण को सबसे बड़ा आनंद दे उनका गुणगान हो। तो इसीलिए जो गोपियां हैं बाह्य रूप से इस तरह से दिखाती है कि हमें गर्व आ गया है, और इसीलिए तभी क्या होता है सारे गोपियां को कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं। तो वास्तव में वो अहंकार नहीं है, वह वास्तव में राधा रानी की महिमा दर्शाने का एक दिव्य इच्छा है। सो व्हाट लुक्स लाइक प्राइड एक्सटर्नली इज एक्चुअली द डिजायर टू ग्लोरीफाई, टू रिवील द ग्लोरीज ऑफ राधा रानी इंटरनली। तो इसीलिए जो गोपियां हैं वो ऐसे दिखाती है कि हमको गर्व हो गया, कृष्ण उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो जो भगवान की लीलाएं हैं उनके जो अर्थ जो है अलग अलग स्तर पे समझे जा सकते हैं। और फिर जब राधा रानी कृष्ण के साथ होती है और जब वो देखते हैं, अभी एक कैसे होता है कि जब भगवान की लीला चल रही होती है तो उसमें अलग अलग तरह से चेतना जागृत होती है। तो एक तरह से जब राधा रानी जानती कृष्ण मेरे साथ है, और जब कभी कभी गोपियों को ऐसे एहसास होता है कि कृष्ण सबके साथ है और कृष्ण ने विस्तार कर लिया है, पर हर गोपी को बाद में लगता है कि कृष्ण मेरे साथ ही है। तो जैसे राधा रानी को दर्शाते कृष्ण मेरे साथ है, पर बाद में वो देखते हैं कि कृष्ण और किसी के साथ नहीं है, तो कृष्ण केवल मेरे साथ आ गए। तो ये जब देखते हैं तो उनको बड़ा आनंद होता है। तो मान लीजिए अगर हमारे गुरु महाराज है या कोई बहुत वरिष्ठ भक्त है और उनके साथ हम मान लीजिए कोई मीटिंग चल रहा है, तो मीटिंग हो जाता है और हम उनसे कुछ बात कर रहे हैं, और फिर बात कर मीटिंग के समय तो कई भक्त होते हैं सब साथ उनके साथ बात कर रहे हैं, और फिर वो हम बात कर रहे हैं बाद में देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो बाकी सब लोग चले गए हैं या हम चलते चलते कहीं आ गए, तो सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो उससे एक तरह से बड़ा आनंद होता है कि मुझे इतना पर्सनल एसोसिएशन मिल रहा है। तो एक तरह से राधा रानी को बड़ा आनंद होता है कि कृष्ण मेरे ही साथ है, पर दूसरी ओर तुरंत राधा रानी के मन में विचार आता है कि सारे गोपी, जैसे मैं सब कुछ छोड़ के राधा कृष्ण के साथ पास आई, तो सारे गोपियां जो है सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास आए, वहाँ पे ललिता है, विशाखा है, ये सब गोपियां वहाँ पे आई है, तो अगर कृष्ण सिर्फ मेरे साथ हैं, कृष्ण उन सबको छोड़ के आ गए हैं, तो उनकी क्या दशा होगी अभी? तो वह तो इतने ग्लानी में होगे, इतने दुख में होगे, और अगर वह इतने दुखी होगे तो तभी मैं कैसे सुख में हो सकती हूँ। और यह सोचकर राधा ने सोचते मुझे कुछ करना चाहिए, आई कांट एंजॉय कृष्णा अलोन, मैं कृष्ण के संग का भोग खुद अकेले नहीं कर सकती। यह सोचकर वो क्या करती है, वह कुछ बहाना बनाती है। अभी क्या बहाना बनाया, कृष्ण क्या हो रहा है, कृष्ण वृंदावन के जंगल में राधा रानी के साथ अंदर और जा रहे हैं, तो तभी राधा रानी बहाना बना लेती है। राधा रानी कहती है, हे कृष्ण अभी हमने काफ़ी समय तक नृत्य किया है, काफ़ी समय तक चले हैं, तो मैं थोड़ी थक गई हूँ। तो अभी राधा रानी ये कहने के राधा रानी की इच्छा उद्देश्य होता है, कृष्ण कहेगा ठीक है हम इस वृक्ष के नीचे थोड़ा बैठ जाते हैं और हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं। तो इस तरह से बात कर रहे हो गए तो वहाँ पे रुक जाएंगे, तो क्या है सारे गोपियाँ ढूंढते वहाँ तक आ जाएगी। पर क्या होता है वहाँ पे, जब इस तरह से कहते हैं राधा रानी, तो कृष्णा सीम्स टू मिसअंडरस्टैंड राधा रानी, कृष्णा जो है एक तरह से गलत समझ लेते राधा रानी को,
अभी जिस तरह से जटायु जो होता है, जटायु सीता के लिए ही अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, और जब राम वहाँ पे आते हैं तो तभी क्या होता है, राम पहले अपना धनुष जो है जटायु की ओर डालते हैं। अभी जब रामायण में वास्तव में वर्णन आता है कि जब वो दंडका वन जन पावन राम दंडका वन में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले दंड वहाँ पे जो है किसी से मुलाकात होती है वो जटायु से होती है। तो राम उसी वनवास के समय में जटायु से मिल चुके हैं, और जटायु ने कहा है, राम जटायु का वार्तालाप होता है, तो कहते हैं कि जटायु उसे कि मैं यहाँ पे सीता का आपको सीता के संरक्षण में और आपके देखभाल में मदद करूँगा, तो इसलिए जटायु पास में ही रहते हैं। और उसके बावजूद क्या होता है, राम जटायु को पहचान नहीं पाते। ये कैसे हो सकता है? एक तरह से क्या होता है, जटायु काफ़ी घायल हो गए होते हैं और खून से वगैरह उनका शरीर लथपथ होता है, तो इसीलिए जब राम देखते हैं तो उस समय राम भी सीता के विरह में उत्तेजित हो गए होते हैं, तो इसीलिए देखते हैं यहाँ पे खून सारा हुआ है और वहाँ पे बड़ा युद्ध हुआ है, ऐसे लगता है, तो लगते हैं अच्छा ये राक्षस नहीं, शायद ये राक्षस है और ये राक्षस ने ही कुछ किया होगा। और उसी समय क्या हुआ है कि एक राक्षस ने हिरण का रूप लेके आए थे, तो राक्षस जो बहुरूपिया होते हैं तो उनको लगता है ये क्या है, कोई राक्षस है। तो अभी क्या होता है, जटायु जिसके लिए अपनी जान त्यागने के तैयार होते हैं वही व्यक्ति उनकी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो टू बी मिसअंडरस्टूड इन जनरल इज वेरी डिफिकल्ट टू एंड्योर, टू बी मिसअंडरस्टूड बाय दोज हूम वी केयर फॉर दैट इज इवन मोर डिफिकल्ट, टू बी मिसअंडरस्टूड by the very person for whom we have sacrificed, that is most difficult. कोई भी हमको गलत समझे तो वो बुरा होता है, पर अगर हम किसी से स्नेह करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और वो हमको गलत समझते थे तो और मुश्किल हो जाता है। पर खास करके जिस व्यक्ति के लिए हमने कुछ कार्य किया है और वही व्यक्ति गलत समझ लेता है, तो फिर ये सब मैंने किसके लिए किया, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, इट कैन बी devastating, वो जो है वो व्यक्ति को पूरा तोड़ देता है। तो वैसे ही अभी राधा रानी वह कृष्ण के संग का पूरा आनंद ले सकती थी, पर राधा रानी क्या सोच रही है कि वह अपने सखियों के बारे में सोच रही है और वो सोचे कि उनकी क्या दशा होगी। और यद्यपि एक तरह से राधा रानी जानती है कि कृष्ण, उनको बड़ा आनंद होगा कि कृष्ण मेरे साथ संग चाहते हैं, वो ये भी सोचती है कि सारी गोपियाँ साथ में होगी तो जो कृष्ण का आनंद भी बढ़ जाएगा, गोपियों का भी आनंद हो जाएगा। इसीलिए राधा रानी कहती है कृष्ण हम रुक जाओ, हम रुक जाते हैं यहाँ पे थोड़े समय के लिए। तो कृष्ण तो भी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वो कहते हैं ये तो कोई राजमहल नहीं है, ये तो कोई राजमहल नहीं है जहाँ मैं तुम्हारे लिए कोई पालकी ला सकता हूँ, तो ऐसे करो तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुमको यहाँ से उठा के ले जाता हूँ। और जब कृष्ण इस तरह से बोलते हैं तो अभी जो उनका जो बोलने का जो टोन होता है वो बदल जाता है, और जब राधा रानी सुनती है तो उनको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, और वो कृष्ण की ओर देखते हैं, और जैसे देखते हैं तो कृष्ण वहां से अदृश्य हो जाते हैं। और जब कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं तो तभी राधा रानी जो है बिल्कुल उद्विग्न हो जाती है, इतनी उत्तेजित होती है, क्या करूं मैं, कृष्ण कृष्ण आप कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। और तभी ऐसे होता है, ऐसे बताया गया है कि वहां पे राधा रानी को एक दिव्य उन्माद हो जाता है, ये कैसे एक प्रकार का दिव्य पागलपन जैसे हो जाता है, और राधा रानी इधर उधर 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 देख रही है और देख रही है, और फिर कहीं भी उनको कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। तो तभी कवि कर्णपुर वहां पे दर्शाते हैं किस तरह से
अ डिवोटी यूजेस इमेजिनेशन इन कृष्णा सर्विस, कि भक्त किस तरह से जो अपनी कल्पना करने की शक्ति है वह भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। मैं ग्रंथ पढ़ रहा था जो किसी और वैष्णव संप्रदाय में, वो उन्होंने रामायण पे ग्रंथ लिखा हुआ है, और उसके जो परिचय है उसमें उन्होंने लिखा है कि उसके परिचय में लिखते हैं कि विथ ऑल द डिवोशन ऑफ माई हार्ट इन दिस बुक आई ऑफर ऑल माई इमेजिनेशन टू लॉर्ड राम, कि मैं मेरे सारे भगवृदय में जितनी भक्ति उसके साथ मैं मेरी कल्पना भगवान राम को अर्पण कर रहा हूँ। तो जब पहली बार ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। हम साधारणतः बोलते हैं कि हमें कल्पना नहीं करनी है, हमें काल्पनिक कुछ नहीं करना है, पर ये उसके बारे में थोड़ा और विचार किया तो फिर मैं कृष्ण क्षेत्र महाराज से कुछ बात कर रहा था, तो उन्होंने एक ग्रंथ की एक श्रृंखला लिखी स्मरण सीरीज, तो गौर स्मरण, राम स्मरण, कृष्ण स्मरण। तो उन्हें क्या करते हैं उसमें बताते हैं कि अगर हमें कृष्ण लीला का स्मरण करना है तो हम स्मरण कैसे करेंगे। एक तरह श्रवण करके स्मरण कर सकते हैं, पर वास्तव में प्रभुपाद जी का एक कोट है, कहते हैं कि अगर आप विग्रहों की पूजा नहीं कर सकते तो कहते हैं कि यू कैन इमेजिन दैट देर इज अ गोल्डन थ्रोन इन योर हार्ट एंड राधा कृष्ण आर सीटेड ओवर देयर एंड दैट इज नॉट जस्ट इमेजिनेशन, इट विल बिकम रियलिटी। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अगर आप विग्रहों की पूजा नहीं कर सकते तो आप आपके हृदय में कल्पना करो कि एक सोने का सिंहासन है, सोने का आसन है, उसमें राधा कृष्ण को बैठाओ और फिर वो जो कल्पना है वो सत्य हो जाएगी। तो फिर उन्होंने उस वहां पे उदाहरण दिया है कि किस तरह से आप कल्पना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में सत्स्वरूप महाराज से जब अमेरिका में मिला था तो उनसे बात की थी, तो कहते हैं कि जो है कल्पना करने की शक्ति है जो वो सब लोगों में एक समान नहीं होती। कुछ लोग, अभी कोई पेंटर होता है तो पहले वो कल्पना करते हैं किस तरह से पेंटिंग बनाना चाहिए, फिर बाद में बनाते हैं। कोई आर्किटेक्ट होता है वो कल्पना करते हैं। तो वास्तव में द पावर टू इमेजिन इज ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम कृष्णा, कि कल्पना शक्ति यह भी भगवान की एक भेंट है, और ये कल्पना शक्ति को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना यह भी एक प्रकार की भक्तिमय सेवा है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई ड्रामा करते हैं, अगर कोई कृष्ण लीला के बारे में ड्रामा करते हैं, तो ऐसे नहीं है कि वो ड्रामा में हर डायलॉग जो होगा वो बिल्कुल शास्त्रों से ही आएगा, वो थोड़ा इम्प्रोवाइज होता है उसमें, थोड़ा जो है वो हाँ व्यक्ति जो उसको उचित भाव से दर्शाने के लिए, तो एवरी ट्रांसलेट, जो मैं तो इस विषय पर चर्चा कर रहा था तो कृष्ण क्षेत्र महाराज बताते हैं एवरी ट्रांसलेशन इज एक्चुअली एन एक्ट ऑफ इमेजिनेशन, कि हर भाषांतर जब आप करते हैं तो एक शब्द जो है उसके शायद दूसरी भाषा में 10 अलग अलग शब्द हो सकते हैं, तो कौन सा शब्द उचित है। तो जब वो उसके के लिए हम ठीक है ये शब्द का भाव क्या है, ये शब्द के किस वातावरण में इस्तेमाल किया, फिर इसके लिए शब्द है। तो जो है कल्पना शक्ति है वह भी हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किस अभी हमें कल्पना नहीं करनी, वी डोंट वॉन्ट टू कम अप विथ इमेजिनरी आइडियाज अबाउट कृष्णा, हम कृष्ण के बारे में काल्पनिक विचारधाराएं नहीं लाना चाहते हैं, पर कृष्ण लीला में और एकाग्र होने के लिए हमें कल्पना करना जरूरी है। मान लीजिए कि कृष्ण का कोई चित्र बना रहे हैं तो प्रभुपाद जी कहा करते हैं जो चित्र है दीज आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी ऐसे नहीं कि चित्र में जो हरेक चीज है वह कई शास्त्र ने बताई होगी, कृष्ण का वर्णन है, थोड़ा वृंदावन का वर्णन है, पर जब हम चित्र बना रहे हैं, कोई चित्र कलाकार चित्र बना रहा है, तो वहाँ पे वो अपनी कल्पना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो नाटक चंद्रिका नाम का एक ग्रंथ है जो रूप गोस्वामी लिखा हुआ है, तो ऐसे बताया जाता है, ऐसे जो हिस्टोरियंस ऑफ लिटरेचर, साहित्य के जो ऐतिहासिक है इतिहास, वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आने के बाद देर वॉज अ फ्लावरिंग, लिटररी फ्लावरिंग इन बंगाल, कि बंगाल में
खास करके काव्य और नाट्य, इनका बहुत बड़ा विकास हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति भक्ति का जो भाव संचारित कर दिया कर दिया लोगों में, तो उन सब ने अलग अलग प्रकार के नाटक बनाए, अलग अलग काव्य बनाए, और इस तरह से जो है अनेक साहित्य आए। और हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में और भागवत में, दोनों में ऐसे बताया कि जो 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 भक्त होते, महान भक्त होते, वो कवि होते हैं। अभी कवि मतलब क्या है, एक तरह से उसको बुद्धिमान कहते हैं, पर काव्य रचना करने वाले भी कह सकते हैं। तो अभी यह मैं क्यों बता रहा हूँ कि अभी हम एक एक व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट प्रयोग के सॉरी थैंक यू तो अभी हम एक विचार का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। तो एक्चुअली मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, दुर्भाग्य मेरा ये, पर विल ट्राई टू हम हिंदी में करने का प्रयास करेंगे कि अभी हम हमारी कल्पना का इस्तेमाल करेंगे यह समझने के लिए कि जब अभी राधा रानी का कृष्ण से विरह हो गया है, और उस समय मैं बताया था कि किस तरह से कवि कर्णपुर यह दर्शा रहे हैं कि राधा रानी किस तरह से कल्पना का इस्तेमाल करती है उस समय, तो हम भी एक अपनी कल्पना का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम तो हम कल्पना करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो सत्स्वरूप महाराज बता रहे थे मुझे कि वो आई वॉन्ट, अभी अलग अलग कवि अलग अलग लेखक अलग अलग दर्जा तक जा सकते हैं, दूसरे देखिए आई विल नॉट पुट माई वर्ड्स इन एनी ऑफ द इन द माउथ्स ऑफ एनी ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ कृष्ण लीला, बट इन अ पेरिफेरल कैरेक्टर, कैसे कोई भाई कृष्ण ने ऐसा कहा, राधा ने ऐसे कहा, वह उसके बारे में हमें कल्पना करने का अधिकार नहीं है। पर तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ है सत्सुर महाराज ने, क्या किया है कि प्रहलाद महाराज का प्रहलाद जो छोटे बरल बताते उनका एक मित्र है, वह अभी असुर परिवार में जन्म हुआ है, और उस जब सारी प्रहलाद नरसिंह हिरण्यकश्यप लीला हो रही है तो उसका क्या अनुभव है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, वह देखता है यह सुनता है, तो उसमें क्या है, उन्होंने पूरा उसके उसका क्या अनुभव था उसके लिए कल्पना इस्तेमाल किया, और उस कल्पना के द्वारा एक तरह से एक फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस, एक प्रत्यक्ष अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि मान लीजिए हम एक वृक्ष या एक पंछी के रूप में वृंदावन के जंगल में वहां पे है, और वहां पे अभी राधा रानी एकाएक कृष्ण का विरह अनुभव कर रही है। मान लीजिए राधा रानी को ऐसे अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति जो थी वो उनको मिल गई है और एकाएक वो चली गई है, तो राधा रानी इधर उधर कृष्ण कृष्ण पुकार कर इधर उधर देख रही है, कहीं भी कृष्ण नहीं मिल रहे, इधर दौड़ रही है उधर दौड़ रही है, क्या इस पेड़ के पीछे कृष्ण है, उस उन पेड़ों के पीछे है, इधर दौड़ रही उधर दौड़ रही है, और कहीं भी कृष्ण नहीं है। और तभी वो समझ जाती है कि मैं कृष्ण को ढूंढ के प्राप्त नहीं कर सकती, तो फिर क्या करें, तो फिर वो समझ जाती है कि कृष्ण जरूर यहाँ पे कहीं तो भी है। तो वो एक ऐसे बातचीत करने लगती है कृष्ण से कि मान लीजिए कृष्ण उनके सामने है, यद्यपि कृष्ण दिख नहीं रहे, कृष्ण उनकी बात को सुन रहे हैं, और फिर राधा रानी हे कृष्ण कृपया आप आओ पुनः, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। तो कृष्ण तो राधा रानी ऐसे कल्पना कर रही है कि कृष्ण उन्हें कोई जवाब दे रहे हैं, तो कृष्ण जवाब दे रहे हैं कि तुम्हें तो इतना गर्व हो गया था, मैं मुझे गर्व पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। हे कृष्ण वो गर्व नहीं था, वो गर्व नहीं था, मैं केवल ये चाहती थी कि सारे सखियों को आपका संग मिले। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हें उनकी इतनी परवाह क्यों होने लग गई, अगर मैं चाहता था तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें मेरी सेवा करने की जगह पे उनकी इतनी परवाह क्यों हुई, मुझे प्रसन्न करना चाहिए था। तो हाँ मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ, पर मैं सोच रही थी कि सारे सखियाँ वो अपना जीवन त्यागने की दशा में चली जाएगी, इसीलिए मैं उनका दुख सह नहीं कर पा रही थी। तो कृष्ण कहते हैं कि यह केवल तुम बहाना बना रही हो,
तुम्हें अहंकार हो गया था इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। वो कहे वो तो कृष्ण राधा रानी कहती है कि हे कृष्ण अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। और फिर कृष्ण कहते हैं वो सारे सखियां तो मेरे बिना है और वो सब तो जीवित है, ऐसे वो जीवित रह रही है तुम भी जीवित हो जाओ। तो राधा रानी कहती है नहीं, वो सखियों को कम से कम एक दूसरे का तो संग है, मैं तो बिल्कुल अकेली हूं। वो एक दूसरों के संग में एक दूसरे को सांत्वना करेंगे पर मुझे सांत्वना करने वाला कोई नहीं है, केवल आप ही हो, पुनः वापस आ जाओ। कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने मुझे नाराज किया है इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो राधा रानी कहती है जो भी परिणाम है मैं भुगतने के तैयार हूं पर मैं आपके संग के बिना जी नहीं सकती, कृपया पुनः आ जाओ आप। तो जब इस तरह से बिल्कुल याचना करती है तीव्रता के साथ, तो अचानक अभी हम सब में कल्पना करने की क्षमता होती है पर क्या होता है कि when imagination is completely divorced from reality, that is called insanity. अभी हम सब में कल्पना करने की शक्ति होती है पर कल्पना करते समय हमें जो सत्य है उससे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड, उससे पूरा हमारा अगर जो भी संबंध अगर टूट जाएगा तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति पागल जैसे हो जाता है। से प्रभुपाद जी के बारे में बताया जाता है कि his head was in the sky but his feet were on the ground, कि उनका जो सिर था आसमान में था, वो कुछ भी नहीं था, वो केवल एक गार्डन के एक अमेरिका के एक कॉलेज के गार्डन पे एक मेज पे बैठे हुए थे, अकेले थे। वो बोलते कि अनेक मंदिर है उसमें हजारों भक्त है, तो इस तरह से वो उनका एक दृष्टांत था, कल्पना थी वो। तो उनके जो सिर था बिल्कुल ऊंचा था, बादलों में था, पर वैसा होते हुए भी प्रभुपाद जी एक जो भी उनसे मिलने आता था बड़े ध्यान पूर्वक उनसे बात करते थे। जो ऐसे बताते हैं मुकुंद महाराज उनके ग्रंथ में लिखते हैं कि व्हेन प्रभुपाद वुड टॉक विथ यू यू फेल्ट एज इफ यू वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। जब प्रभुपाद जी उनसे बाकी से बात करते थे इतना ध्यान देते थे, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे लगते थे। तो प्रभुपाद जी के जो पैर थे वो जमीन पे थे। तो हम सब कल्पना कर सकते हैं कि हमें कृष्ण के लिए बहुत कुछ करना है पर अगर जो सत्य है उससे बिल्कुल हमारा संबंध टूट जाता है तो फिर क्या होता है, वो पागलपन जैसे हो जाता है। तो अभी राधा रानी क्या हो रही है, वो मन ही मन कृष्ण से बात कर रही है पर उनको कहीं कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, और जैसे ही कृष्ण दिखाई नहीं दे रही है तो फिर क्या होता है, उनके जो दुख है, जो वेदना है, जो उत्तेजित भाव है, और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि उस समय वो उसे सहन नहीं कर पाती है और फिर वो मूर्छित हो जाती है। तो वहां पे कवि कर्णपुर बताते हैं कि वास्तव में जो वो कहते हैं कि जिस तरह से निद्रा देवी होती है, और निद्रा देवी खास करके जब हम प्रवचन सुन रहे हैं तो आ जाती है हमको कृपा देने के लिए, तो वो कहते हैं जैसे निद्रा देवी होते होते वैसे मूर्छा देवी भी होती है जो हमें बेहोश कर देती है। तो कहते हैं कि उस समय तो इसको हम एक व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं और एक दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से भी अगर हम किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा सदमा हो जाता है क्योंकि पास का व्यक्ति कोई गुजर गया हो, तो क्या हमें कई बार मूवीज में देखा होगा, तो वो सदमा हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे शरीर और मन को एक वेदना सहन करने की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा के अधिक परे वेदना हो जाती है तो हम वो सहन नहीं कर पाते, और उसे बचने के लिए क्या होता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो यह एक नैसर्गिक पद्धति से हो सकता है या कभी कभी एनेस्थेसिया देके वो एक कृत्रिम पद्धति से किया जाता है। तो यहाँ पे राधा रानी को जब कृष्ण से विरह इतना असहनीय हो जाता है कि वो बिल्कुल वो वेदना इतनी हो गई है वो सहन ही नहीं कर पाती है, तो बेहोश हो जाती है वो।
जब बेहोश हो जाती है तो कवि कर्णपुर कहते हैं कि वास्तव में मूर्छा देवी राधा रानी का जीवन बख्शने के लिए अपनी कृपा वहाँ पे करके आ जाती है, और कृष्ण तो वहाँ से दूर चले गए हैं। और फिर तभी सारी गोपियाँ ढूंढते 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 वो आ जाती है, और जब गोपियाँ वहाँ पे आ जाती हैं तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कृष्ण कहाँ हो सकते, और तुरंत वो समझ जाते हैं अच्छा यहाँ पे राधा रानी नहीं है। तो सबसे पहले तो जैसे भागवत में बताया गया है कि गोपियाँ देख रही है यहाँ पे कृष्ण के पद के चिन्ह हैं और किसी और के पद के चिन्ह हैं, तो यहाँ पे उस तरह से वो समझ जाती है कि यहाँ पे कोई गोपी है, और दूसरा भी समझ जाती है कि यहाँ पे कोई और, हमारे इसमें कोई नहीं है, तो समझ जाती है कि राधा रानी नहीं है, राधा नहीं है वहाँ पे। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते आ जाती है, और जब देखते हैं कि वहाँ पे, तो उस समय कुछ कुछ गोपियों में, खास करके चंद्रावली और बाकी जो गोपियाँ जो दूसरे पक्ष में होती है, उनके मन में राधा रानी के प्रति थोड़ा ईर्ष्या आ जाती है कि राधा रानी अकेली कृष्ण के साथ क्यों है। पर जब वो वहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि राधा रानी कितनी पीड़ा में है, वो इतनी पीड़ा में है कि बेहोश हो गई है, तो फिर वो तुरंत वहाँ से थोड़ा ललिता सखी किसी सखी को बोलते पानी लेके आते, थोड़ा उसके चेहरे पे पानी डालते हैं, फिर राधा रानी होश में जाती है, और फिर वो तुरंत कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है वो भाव उसे वो पुनः पीड़ित हो जाती है। और वह जो उनकी पीड़ा देखते हैं तो क्या होता है कि जो बाकी सारी गोपियों में थोड़ा सा ईर्ष्या भाव होता है कि केवल इसको कृष्ण का संग क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला, वो सारा ईर्ष्या का भाव चला जाता है। सो एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड प्लेजर इज अ ग्रेट डिवाइडर एंड पेन इज अ ग्रेट यूनाइटर। कि जब हमें कुछ सुख मिलता है, भोग मिलता है, तो अरे इसको इतना भोग मिल रहा है, मुझे इतना क्यों नहीं मिल रहा है, तो उससे भोग उससे क्या होता है कि उससे डिवाइड हो जाते लोग, कि मान लीजिए प्रसाद दे रहे किसी को, स्पेशल प्रसाद दे रहे बाकी को ऑर्डिनरी प्रसाद दे रहे, तो क्या है प्लेजर इज अ डिवाइडर। पर अगर सभी उपवास कर रहे हैं तो क्या है पेन इज अ यूनिफायर। हम सब उपवास कर रहे हैं, तो उस तरह से जो अगर हमें किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है तो वास्तव में उनके जीवन को और अगर हम समझ पाएंगे तो हम देखेंगे कि उनके जीवन में कितनी सारी समस्याएं हैं, कितनी सारी चुनौतियां हैं, कितना बोझा उठा रहे हैं वो। मैं एक भक्त से मिला था कि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वेरी वेरी प्रॉस्परस, वेरी फेमस। तो वो बता रहे थे कि अभी बाह्य रूप से देखे तो बहुत यशस्वी है, बता रहे थे कि मैं अगर एक गलती करूँगा, अगर मुझसे एक गलती भी हो जाएगी तो न केवल उससे किसी की जान जा सकती है, बट बाय वन मिस्टेक माई एंटायर करियर कैन बी लॉस्ट। तो हम देख सकते हैं बाह्य रूप से हमको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ऐश्वर्यशाली है, बहुत शक्तिशाली है, बट सक्सेस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रेशर विद इट। तो वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज टू ओवरकम एनवी इज टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस द पर्सन इज फेसिंग, द डिस्ट्रेसेस दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। अगर किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है तो अगर उन लोग क्या चुनौतियों से जा रहे हैं, किस प्रकार के समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा तो हमें लगेगा कि अरे इनको इतना कुछ मिला है, पर इतना सब प्राप्त करने के लिए इनको इतना सब ये सहन भी करना पड़ रहा है, तो इट्स नॉट, ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उस तरह से गोपियों के हृदय से सारी ईर्ष्या जो है वो चल जाती है, और फिर वो कहते राधा रानी से क्या हुआ, तो राधा रानी पूरा वर्णन करती है। और ख़ास करके जब वो गोपियाँ सुनती है कि राधा रानी ने कृष्ण का संग त्याग दिया क्योंकि वो हम सब के बारे में चिंता कर रही थी, तो फिर उन सबका हृदय पिघल जाता है। और फिर क्या होता है, तो गोपियाँ सारे साथ में फिर कृष्ण को खोजने लगती है, और वो वृंदावन के जंगल में और जा रही है, पर कहीं भी उनको कृष्ण नहीं दिखते हैं। और बाद में वो जंगल, अभी रात का समय है और जंगल भी इतना घना हो जाता है, कवि कर्णपुर कहते हैं कि गोपियाँ अगर अपना हाथ आगे करती है तो उनको हाथ भी नहीं दिख रहा होता है, इतना अंधकार होता है उस जंगल में। और फिर इसलिए वो क्या कहते हैं, हम यहाँ पर तो कृष्ण को ढूंढ नहीं पाएंगे, इसीलिए वो जंगल से पुनः बाहर आ जाती है
और जमुना के तट पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो कृष्ण, जहाँ पे उन्होंने कई लीलाएं कृष्ण के साथ की है, और फिर वहाँ पे वह बैठ जाती है, वहाँ पे एक समूह में बैठ के फिर वो कृष्ण को याचना करते हुए गोपी गीत गाती है। और जब वो गोपी गीत गाती है तो तभी गोपी गीत का अंतिम श्लोक जब हो जाता है तो तभी कृष्ण पुनः प्रकट हो जाते हैं, और फिर कुछ बातचीत होती है और पुनः रासलीला पुनः संपन्न शुरू हो जाती है और फिर अंत तक जाती है। तो अभी ये रासलीला का वर्णन तो भागवतम में है और कई आचार्यों ने किया है, पर जो मैं बताया था कि हमारे प्रवचन का विषय था कि कैसे हाउ राधा रानी इज़ द यूनिक लेगेसी ऑफ द गौड़ीय संप्रदाय टू द वर्ल्ड, तो राधा रानी का जो भाव है वह कवि कर्णपुर ने विशेष रूप से बताया है कि जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि डिवोशन इज मैनिफेस्टेड बाय अट्रैक्शन फॉर कृष्णा एंड कंपैशन फॉर द सोल्स, कि भक्ति के ही दो भाव है, भक्ति जो है कृष्ण के प्रति आकर्षण के रूप में जागृत होती है और भक्ति जो है बाकी लोगों बाकी जीवों के प्रति करुणा के रूप में जागृत होती है। तो राधा रानी ये दोनों दर्शा रही है कि अब बाकी जीव नहीं है यहाँ पे, बाकी सब गोपियाँ हैं, वो भी महान भक्त है, पर राधा रानी उनकी भक्ति यह नहीं है कि मैं कृष्ण को इतने केवल इतने आकर्षित हूँ और कृष्ण के संग में मैं आनंद लूँगी, पर उसके साथ साथ उस समय में भी जब कृष्ण का संग है तो उनको क्या है, चिंता है बाकी सखियों की, और यह जो है यह उनकी करुणा है। और यही जो भाव है कि भक्ति के दो दो प्रकटीकरण है, कृष्ण के प्रति आकर्षण और जो कृष्ण के सारे जीव है उनके प्रति करुणा, यही दो जो भाव है श्री प्रभुपाद जी भी दर्शाते हैं। प्रभुपाद जी की उनकी जो भक्ति थी, ऐसे प्रभुपाद जी कृष्ण कृष्ण राधा रानी राधा राधा ऐसे भजन ज़्यादा नहीं करते थे, कभी कभी उन्होंने दिव्य आनंद का भी दर्शन कराया, पर प्रभुपाद जी जो थे उनके उनकी भक्ति क्या थी, जिस तरह से जो गोपियों को जब कृष्ण की बांसुरी ध्वनि ने बुलाया तो गोपियां सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गई, तो उसी तरह से प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, जो उनके गुरु महाराज का आदेश था, जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, उसके कारण प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के अमेरिका चले गए, पाश्चात्य देश में चले गए। और वास्तव में यह एक बाह्य दृष्टि है, प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के पाश्चात्य देश नहीं गए, प्रभुपाद जी वृंदावन अपने हृदय में लेके पाश्चात्य देश में गए। और जो वृंदावन ये वास्तव में क्या है, वह जहाँ कृष्ण है, जहाँ भक्तों का संग है, वहाँ पे वृंदावन का प्रकटीकरण हो जाता है। तो प्रभुपाद जी जहाँ पे भी गए वहाँ पे अगर भक्त जो आत्मा भक्त की भक्ति करना चाहते थे ऐसे प्रामाणिक रूप से आ गए, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक वृंदावन का रेप्लिका बनाया, वहाँ का एक प्रतिमूर्ति जिसे बनाई, और वही प्रभुपाद जी के कृपा से यहाँ पे अभी गोवर्धन इको विलेज में मनमोहन जी का मंदिर है, इतना वृंदावन की इतनी अद्भुत प्रतिमूर्तियाँ यहाँ पे प्रकट हो गई हैं। तो जो राधा रानी की जो हमें समझना है, तो प्रभुपाद जी बताते थे अगर हम चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जो खास करके राधा और कृष्ण की दिव्य लीलाओं पे चैतन्य महाप्रभु मनन कर रहे हैं, उसकी जो तात्पर्य अगर प्रभुपाद जी के पढ़ते हैं, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी कैसे बताते हैं कि द वे टू एंटर इनटू राधा कृष्णाज लीला इज बाय शेयरिंग कृष्णाज ग्लोरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि राधा कृष्ण की लीला में हम प्रवेश किस तरह से करते हैं, केवल राधा कृष्ण की लीला का स्मरण करके, ऐसी लीलाओं का स्मरण करके जिसको हमें कभी सुना ही नहीं है, उससे नहीं होगा, वो अच्छा है अगर सुन सकते हैं, पर वो उसका अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ है हमारा हृदय का, तो उसको हम गलत समझ लेंगे। पर जब हम प्रभुपाद जी जो है उन्होंने जो मैं इस पॉइंट के साथ अंत करूँगा कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये केवल एक संस्था नहीं है, यह वास्तव में क्या है, यह एक सेवा क्षेत्र है, ये प्रभुपाद जी ने सेवा करने के लिए हमको एक क्षेत्र दिया है, और अगर हम सेवा करते रहेंगे तो प्रभुपाद जी की कृपा से ही यह जो सेवा क्षेत्र है वह एक रस क्षेत्र बन जाएगा, इस सेवा के द्वारा ही हमको रस की अनुभूति होने लगेगी,
और धीरे धीरे जो दिव्य रस है उनकी अनुभूति और अधिक होती जाएगी। तो राधा रानी की कृपा से ही हमें अलग अलग प्रकार की सेवा करने का मौका प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनावत आंदोलन में दिया है। और जिस तरह से राधा रानी खुद अकेली कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहती है, वह बाकी सब सखियों के साथ सेवा करना चाहती है, उसी तरह से हम सब साथ में सेवा करना चाहते हैं। तो जब हम शुद्ध होकर भगवत धाम जाना चाहते हैं तो वास्तव में कैसे होता है कि भगवान के प्रति जो सेवा भाव है वह जागृत करना वह बहुत आसान नहीं है, पर अगर भक्तों के प्रति सेवा भाव हो जाता है तो उसके द्वारा भगवान के प्रति सेवा भाव प्रकट होता है। तो जब कोई हवाई जहाज़ चला रहा होता है तो हेलीकॉप्टर जो होता है, हेलीकॉप्टर एक जगह पे होता है सुप ऊपर उड़ जाता है, एक जगह से सीधा ऊपर जा सकता है, पर जो दूसरा बड़ा हवाई जहाज़ होता है उस वो सीधा ऊपर नहीं उठता है, वो कैसे होता है, ज़मीन पर होता है और ज़मीन पर वो अपनी रफ्तार बढ़ाता है, और ज़मीन पर रफ्तार बढ़ाते हुए उसको इतना मोमेंटम आ जाता है, इतनी शक्ति, इतना प्रवाह आ जाता है उसका कि फिर वो ज़मीन से ऊपर उठ जाता है। तो उसी तरह से जो सहजिया होते हैं वह सोचते हैं कि भक्ति में प्रगति जो होती है वो हेलीकॉप्टर के समान होती है, कि मैं भक्ति कर रहा हूँ एकाएक कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाएगा और मैं कृष्ण के पास चला जाऊँगा। पर जो प्रामाणिक भक्त होते जानते हैं कि जैसे वो रफ्तार को, वो हवाई जहाज़ को रफ्तार ज़मीन पर पहले पकड़नी होती है बाद में वो हवाएं पकड़ सकते हैं, तो उसी तरह से हमें भक्तों के संग में रह के भक्तों के संग में सेवा भाव जागृत करना है। और जो ज़मीन पर रहना मतलब इस भौतिक जगत में भौतिक चेतना में रहना है, और जितना भक्तों के संग में हमारा सेवा भाव बढ़ता है तो उतना ही हमारे जो आत्मा के हवाई जहाज़ है वह रफ्तार पकड़ती है, और फिर एक समय रफ्तार इतना हो जाएगा कि वो ज़मीन से निकल के आसमान में चला जाएगा हवाई जहाज़। तो उसी तरह से हम जब इस भौतिक जगत में सेवा करते हैं, भक्तों के संग में सेवा करते हैं, सब अनेक चुनौतियाँ होती हैं, पर उसमें अगर हम सेवा करते रहेंगे तो उससे सेवा भाव जागृत हो जाएगा और फिर वो सेवा भाव हमें भगवान के करीब ले जाएगा। जो राधा रानी दर्शाती है कि कृष्ण का भोग हमें अकेले नहीं करना है, हमें भक्तों के संग में कृष्ण का सेवा करनी है और उसमें दिव्य आनंद प्राप्त करना है। वही जो यह जो राधा रानी का भाव है कवि कर्णपुर और श्री प्रभुपाद जी ने हम सबको दर्शाया है, हम सबको यह उनकी भेंट है। तो हम सब राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये दो कृष्ण भक्ति के रूप हैं, भगवान के प्रति आकर्षण और बाकी सब सब भक्तों और जीवों के प्रति स्नेह भाव, सेवा भाव, वह हम सबको प्रदान करे। श्रीमती राधा रानी की जय। संक्षिप्त में मैं सार बता दूंगा कि हम चर्चा की किस तरह से बताते कि कभी कभी ऐसा खजाना होता है, मैंने वो एस्टेक संस्कृति के बारे में बताया कि ऐसा खजाना गुफा में था, उन्होंने इतना उसको बड़ा मान लिया कि उसको स्पर्श भी नहीं करेंगे, तो व्हाट इज नॉट वैल्यूड कॉन्शियसली बिकम्स डीवैल्यूड अनकॉन्शियसली। तो बाद में उन्होंने स्पर्श नहीं किया और क्या है जो कैथलिक लोगों ने आके उसको फिर हड़प लिया। तो इसी तरह से क्या हो गया है, हम राधा रानी के विषय को इतना दिव्य मान लेते हैं कि उस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो आजकल के एनसाइक्लोपीडिया में वगैरह अगर राधा के बारे में जानना है जो भौतिक पंडित है लोग उनको अथॉरिटी मान के उनकी बात समझ लेते हैं, हमको हमारे संप्रदाय को बाजू को रख दिया है। पर हमारे संप्रदाय में राधा रानी के बारे में जो बताया है वो किस तरह से है, सभी आस्तिक संप्रदायों में, आस्तिक धर्मों में भगवान का वर्णन है जैसे कि वह कोई तारा है दूर का, पर जो भक्ति संप्रदाय है उसमें एक दूरबीन है जिसे वो तारा और स्पष्ट दिखता है, स्पष्ट दिखता है, और ये जो दूरबीन है उसको और अधिक फोकस करके, सबसे अधिक फोकस करके स्पष्ट बना के गौड़े संप्रदाय ने जो भगवान है, भगवान के अंतरंग पार्षद है, उनका बहुत विविध वर्णन, उनका बहुत स्पष्ट वर्णन किया है। तो उसमें जो है राधा रानी जो है भगवान की भार्या, उसके बारे में जैसे हम देखते हैं लक्ष्मी, सीता और राधा, तो राधा रानी जो है उनका बहुत व्यक्तिगत रूप से कृष्ण का संग जो होता है उसके हमें बताया गया है। और फिर यह गौड़ी संप्रदाय किस तरह से बताया है उसका वर्णन मैंने कवि कर्णपुर के आनंद नाम चंपू के आधार पर बताया। जो रासलीला का वर्णन है एक तरह से समान ही है जैसे बाकी सब जगह पे बताया गया है, पर कवि कर्णपुर यहाँ पे एक अंतरंग भाव बताते हैं कि गोपियाँ या राधा जो है, राधा रानी वो गर्वित नहीं हुई थी,
गोपियां राधा रानी का गुणगान करना चाहती थी, इसलिए उन्हें बाह्य रूप से दिखाया कि गर्वित हो गई है, और जो राधा रानी है वह गोपियों के बारे में चिंता कर रहे थे, कितने दुखी हो गए, इसलिए वो गर्वित होने का दिखा रहे थे। तो जो एक लीला है उसको अलग अलग स्तर पर समझ सकते हैं, और यह जो है इसमें देखा कि कैसे राधा रानी कृष्ण के साथ एक काल्पनिक स्तर पर वार्तालाप करती, कृष्ण आप वापस आ जाओ, तो उससे हम कैसे कम कल्पना का इस्तेमाल भगवान की सेवा में कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की। और फिर जब अगर के पहले थोड़े गोपियों को कि राधा कृष्ण के साथ अकेली है इसलिए थोड़ा ईर्ष्या हो जाती है, पर जब वो देखते हैं कि राधा कितनी राधा रानी कितनी वेदना में है, सारी ईर्ष्या चली जाती है। तो उसी तरह से अगर हमें किसी से ईर्ष्या हो रही है तो वो कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो समझ जाएंगे, तो फिर वो ईर्ष्या पूरी चली जाएगी। तो इस दुनिया में जो सुख होता है वो विभाजन करता है, पर दुख होता है समझ आ जाए, दुख समझा जाए तो फिर क्या होता है, सब एक आ सकते हैं दुख में। और फिर अंत में हमने देखा कि जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं भक्ति के दो प्रकटीकरण होते हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षण और शरीर सभी जीवों के प्रति करुणा स्नेह सेवा भाव। तो जो राधा रानी दर्शाती है वही श्री प्रभुपाद जी ने दर्शाया। प्रभुपाद जी का कृष्ण के प्रति जो आकर्षण था वो क्या था, न केवल वो वृंदावन में लेके कृष्ण का भोग करे, पर जो वृंदावन है सारे विश्व भर में प्रकट करे। और जो हमें अलग अलग सेवा करने का मौका मिल रहा है यह प्रभुपाद जी की कृपा से, यह एक सेवा क्षेत्र है, और इसमें अगर हम सेवा करेंगे तो फिर ये सेवा क्षेत्र जो है वो एक रस क्षेत्र बन जाएगा, और हमें दिव्य रस का अनुभव होगा। और ये कैसे होगा, जो हमारा रस का अनुभव एक हेलीकॉप्टर के समय अकेला वो उठेगा, एकाएक उठेगा नहीं, वो से हवाई जहाज होता है वो ज़मीन पर और तेज़ से दौड़ता है, फिर उसको प्रवाह मिलता है। वैसे ही इस भौतिक जगत में जब हम सेवा भाव दर्शाते हैं वो सेवा भाव बढ़ जाता है और फिर वो हम भगवान की ओर प्रगति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को एनी कमेंट्स गौरंग, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की, श्रीमती राधा रानी की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे।